हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आप अपने मोबाइल को हैंग होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल भी हैंग होता है और हीट होता है, आप चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, तो मैं आपको इस वीडियो में 3 स्टेप बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप अपने मोबाइल को हैंग होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको 1st स्टेप में सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा ऐप्स। तो मैं आपको बता दूँ, सभी मोबाइल की सेटिंग्स थोड़ी थोड़ी अलग होती है, तो यहाँ आपको ये ऑप्शन देख लेना है ऐप्स का। तो ये आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है मैनेज ऐप पे। मैनेज ऐप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जो भी मोबाइल में ऐप इंस्टॉल है यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएंगे। और इस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अपने मोबाइल के किसी भी जो सबसे नीचे ऐप में चले जाना है, जैसे यूट्यूब, व्हाट्सअप में चले जाना है। तो मैं यहाँ पे आपको जाके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको जाना है, यूट्यूब में आ चुका हूँ मैं। यूट्यूब में आने के बाद यहाँ पे आपको जाना है क्लियर डाटा पे, इस पर क्लिक करना है और क्लियर ऑल डाटा कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपका ये क्लियर ऑल डाटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बैक जाना है और यहाँ पे आपके जो भी मोबाइल में ज़्यादा यहाँ पे ऐप में जो डाटा कंज्यूम हुआ हुआ है उसे आपको यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा कर देना है। जैसे मैंने यूट्यूब का करके दिखाया, आप व्हाट्सअप का कर सकते हैं, क्रोम ब्राउज़र का कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी ऐप का इस तरीके से कर देना है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको सर्च करना है व्हाट्सअप, और यहाँ पे आपको व्हाट्सअप आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे आपको जाना है स्टोरेज पे, और स्टोरेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा क्लियर डाटा। इस पर क्लिक करना है और क्लियर डाटा कर देना है। और आपको सिंपली इस सारे ऐप को ऐसे ही करना है और आपको यहाँ पे क्लियर डाटा कर देना है। तो दोस्तों, आपको 1st स्टेप कम्प्लीट होने के बाद आपको 2nd स्टेप में जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर राइट कॉर्नर में क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है मैनेज ऐप एंड डिवाइस पे। इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है अपडेट अवेलेबल पे, इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपडेट ऑल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा ऐप को अपडेट होने में। आपको 3rd स्टेप में कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल में ऐसे ऐप ढूंढने हैं जिनका आप यूज़ नहीं करते हैं, तो उन्हें आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। तो मैं आपको बता दूँ, आपके मोबाइल में जितनी स्पेस खाली रहेगी उतना आपका मोबाइल कम हैंग होगा और उतना ही कम हीट होगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को हैंग होने से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।